हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा तो वो प्रॉब्लम क्या है ऐसा आप सभी को पता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर करके अगर कोई न्यू ठेकेदार होता है या फिर न्यू कोई सेंटरिंग करने वाला होता है और वो छत की सेंटरिंग करता है, तो दोस्तों उसमें ऐसा होता है कि अगर उसको थोड़ा सा नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस को नहीं है तो वो कुछ उस तरह से, जिस तरह से थंबनेल में था, इस तरह फोटो जो देख रहे हैं आप, इस तरह से वो ऐसा प्रॉब्लम कर देता है। दोस्तों, आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई पार्टी हो जो मैं वीडियो देख रहा हो, या कोई ठेकेदार हो या फिर कोई वर्कर हो या फिर कोई मिस्त्री हो, ये इस तरह से प्रॉब्लम ना हो, आपको क्या करना पड़े कि ऐसा प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, आपको देखिए, जब सेंटरिंग कर रहे हैं, सेंटरिंग के लिए बीम बनाते हैं तो बीम के जो बक्से बनाते हैं वो प्लाई से होनी चाहिए और उसमें मोबिल लगा होनी चाहिए, आपको ये करना समझना चाहिए। फिर उसके बाद कहीं भी गैप नहीं होनी चाहिए, ये जहां पर भी ऐसा कुछ चीज जो फोटो से खुदरा टाइप में दिखता है या फिर छड़ दिखने लगता है, ढलाई ठीक से नहीं आता है, तो इसका वजह यही होता है कि सेंटरिंग ठीक से नहीं होता है। सेंटरिंग के जहां पे होता है उसके आसपास देखेंगे तो कहीं से होल होता है। अब होल होने का मतलब यह है कि उसमें जो हम लोग ढलाई करते समय कंक्रीट डालते हैं उसमें कुछ पानी रहता है, उसमें कुछ सीमेंट का घोल रहता है, तो वो घोल करता गया है, वो घोल पानी जो जहां से होल रहता है सेंटरिंग में हमारे प्लाई के बीच में से, वहां से वो ड्रिप कर जाता है, निकल जाता है, छू जाता है। जब वो पानी निकल जाता है तो उसके बाद सिर्फ बचता है कंक्रीट और बालू और सीमेंट, जितना था वो घोल करके पानी निकल गया और कंक्रीट और बालू बच जाता है, इसलिए वहां पर फिनिशिंग नहीं आता है और कुछ इस तरह से दिखने लगता है। उसका दूसरा वजह एक और भी है, मान लीजिए आपका प्लाई सेंटरिंग सही है, आपका कहीं होल भी नहीं है। दूसरा वजह भी एक और है कि जब आप ढालते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसमें अगर वाइब्रेटर आप ठीक से नहीं चलाएंगे, वाइब्रेटर जो होती है उसको आप ठीक से नहीं चलाएंगे तो वो क्या करेगा, ठीक से वो बैठाएगा नहीं, जो हमारा कंक्रीट होता है वो ठीक से बैठता नहीं है और जगह जगह वो खुदरा टाइप में हो जाता है। तो आपको दो चीजें बता दिया कि आपको पहला तो प्लाई का सेंटरिंग ठीक से करना है, कहीं से होल ना हो, अगर कहीं होल हो भी जाता है तो उसको नीचे से बोरिया लगा करके पैक कर देंगे, और उसके बाद आपको वाइब्रेटर बराबर चलाना है। वाइब्रेटर किसी अनुभवी एक्सपीरियंसी से चलवाइए, जिसको कोई अनुभव हो वो अंदर जाता है, अंदर दिखता नहीं है तो उसको अनुभव है कि नहीं अब अंदर का भी माल सही हो गया है, अब वो बैठ चुका है, तो इस तरह से उसको आपको करवाना पड़ेगा। तीसरा वजह इसका ये है कि जैसे आप प्लाई में अगर मोबिल नहीं लगाए हैं तो क्या करेगा वो कि मोबिल बस सेंटरिंग आप खोलेंगे जब, तो वो मोबिल क्या करेगा, मोबिल चिपका, मतलब मोबिल नहीं जाएगा तो सूखा सूखा रहेगा, तो वो क्या करता है वो चिपक जाता है और सेंटरिंग खोलते समय वो उसको भी उखाड़ के लेके चला जाता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रॉब्लम था। तो दोस्तों, आपको ये आपको नोट करना पड़ेगा कि आप जब भी वर्क करवाएं तो आपको ये तीनों बातों को ध्यान रखें और अच्छे से वर्क करवाएं। फिर अगर आपको कोई एक्सपर्ट या अनुभवी मिलता है तो उसी से ही काम करवाएं, सबसे काम ही ना करवाएं, क्योंकि इसमें अनुभव का ही जरूरत है। अगर अनुभव नहीं है तो आपका सेंटरिंग जिस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब नॉलेज थी। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमारे वीडियो को रैंक मिलता है और हमारा वीडियो बहुत ज्यादा रैंक करता है। दोस्तों, आई होप कि हमारे वीडियो को अच्छा